हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे आज के वीडियो में। और आज है मंगलवार, आज ट्यूसडे शाम का टाइम हो रहा है, तो दाल चढ़ा दी है मैंने। गुड इवनिंग हो रही है बेटा। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जाओ पढ़ लो। तो आज बन रही है अरहर की दाल। दाल मैंने चढ़ा दी है, बस मैं तड़के की तैयारी करूँगी, क्योंकि आजकल हम इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो सब्जी है हमारी, मतलब जो भी सब्जी दाल जो भी रहता है वो बन जाए जाने से पहले। तो फिर आके फिर चावल या चपाती जो भी बनानी होती है उसे उतना ही काम रहता है। आके मैंने रेस्ट भी कर लिया है और बहुत ज़्यादा गर्मी है फिलहाल 3 दिन से, तो मतलब आप सोच सकते हैं कि हम हिमाचली भी बोल रहे हैं कि हाँ गर्मी है, तो सच में गर्मी है 2-3 दिन से। और कल यहाँ पर क्रिकेट मैच है, लेकिन मौसम अभी हल्के हल्के से काले काले से बादल हो गए, भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। बट जितनी देर में दाल पकती है उतनी देर में मैं तड़के की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि अरहर की दाल डाली तो इसको फटाफट से बन जाती है। तो प्याज लहसुन अदरक और टमाटर मैं जल्दी से कट कर लेती हूँ और आप लोगों को मैं यहाँ स्टेडियम का नज़ारा दिखा देती हूँ। आज कल है ना 17 को मैच, कीड़े देखना लाइट के पास। और ये कीड़े अगर क्रिकेटर की आंख नाक में चले जाए तो जाते होंगे हैं मैच से पहले बस कुछ करते हैं हवा में वो गैस। हाँ ये लाइट के उसमें आ रहे हैं, आज लाइट अच्छी आ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों मेरा पेट ज्यादा बड़ा है कि पूजा का? मेरा कम है, तुम्हारा ज्यादा है। मेरा कम है यार पूजा, वो तो मैं तुम्हारे लिए फुला के रखता हूँ। सच में टीम थी वो? हाँ टीम थी वो। देखो इन्होंने मेरे को बोला ये देखो टीम जा रही है और इतने मतलब बिल्कुल ऐसे कोल्ड रिएक्शन के तो साथ। मैं नहीं हूँ ना डाई हार्ड फैन यार भाई, मैं ड्रीम 11 तक का इंटरेस्ट है मुझे, क्रिकेट में इसके अलावा का नहीं है। इतने कूलनेस के साथ ना कि टीम जा रही है, मैं कैसे बोल रहा हूँ ना ये ऐसी जा रही है। वो जो सामने लोग इतने जोर जोर से हुटिंग कर रहे तो मुझे समझ आया कि सच में टीम गई है, पर नजर नहीं आ रहा था ऐसे, बस वैन नजर आ रही थी, मतलब नजर आ रही थी। हाँ मतलब बैठे थे प्लेयर्स, बट आप ऐसे क्या बोलते उसको, प्लेयर्स नहीं बैठे थे। हाँ। दो चार ही गए होंगे जिसकी प्रैक्टिस जो करके जा रहा है। हाँ वही थे, पर मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे कुछ ऐसे साफ नजर नहीं आ रहे थे, पर हाँ गए क्योंकि आगे जब लोग चिल्लाए तभी मुझे समझ में आया कि हाँ गए। तो मेरे दिमाग में नहीं आया कि मैं भी ब्लॉग बना सकती हूँ, क्योंकि हमें उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, उनके आगे पुलिस एस्कॉर्ट चली हुई थी। नहीं ध्यान नहीं दिया ना मैंने, एस्कॉर्ट चली हुई थी क्योंकि हम उस टाइम उल्टे जा रहे थे, अगर हम आगे से आ रहे होते तो थोड़ा आइडिया हो जाता। तो जब सड़क पे चलते हैं ना दाएं बाएं आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है, ऐसे तो कोई ठोक जाएगा आपको। पीछे ध्यान रखेंगे तो आगे से आगे नहीं गिर जाएंगे। एक वीडियो वायरल हुआ था जीसीबी की उड़ाई, एक वो होगा जीसीबी से उड़ाई। तो ऐसा ऐसा हुआ अभी हम यार मेरी ब्लॉगिंग की कैपेसिटी खत्म होती जा रही है, मेरे हाथ में दर्द होने लग गई है यार। क्यों है? ऐसा मत करो यार, पकड़ो यार बाल्टी, बाल्टी पकड़ो तुम। ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे बनते डोले। कैसे? ये 3 किलो दूध उठा के 2.5 किलो दूध उठा के। ऐसे नहीं होता, 200 किलो से नीचे हाथ नहीं लगाता मैं। कैमरा ऐसा क्यों हो रहा है? कैसा धुंधला धुंध? अब अच्छा लाइट की कमी थी। अच्छा और लोग सही लोग पीछे वीडियो बनाते हुए जा रहे थे, वो भी ब्लॉगर्स होंगे यहाँ के, है ना? या हो सकता है बाहर से ब्लॉगर्स आए हो और यहाँ पे वेट कर रहे हो कि कब यहाँ से टीम निकले और कब हम उनके पीछे जाएं भागते भागते। नहीं 90% लोग हुए हैं जो मैच देखने के लिए आए हैं, 3 दिन पहले आ गए हैं। हाँ। फिर वो अपने खर्च किए हुए पैसों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं। हाँ। तुमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे लोग खड़े नहीं हुए थे, पर मुझे लग ही रहा था कि इंतजार कर ही रहे अभी जाने वाले बंदे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के जो है 8 बज चुके हैं और हम लोग बस अभी चाय पी के फ्री हुए। और ये रही उर्वी। उर्वी हाय कर दो, कर दो, देखो हाय कर दो। ये क्या है? वो क्या है? क्या हुआ है? वो क्या है? तो ये भी उठ चुकी है, दूध पी चुकी है और अभी खिड़की पे खड़ी है। बाहर से चिड़िया की आवाज आती है। हाँ ये मेरी चिड़िया है, मेरी चिड़िया है। आप मेरी चिड़िया? ये क्या था? देखना कितनी लंबू होती जा रही है, लंबू होता जा रहा है। मेरा बुबू लंबा होता जा रहा है। जोर से क्या हुआ? जोर से अच्छा मैं गुदगुदी कर रही हूँ, मैं गुदगुदी करता हूँ, मैं गुदगुदी करता हूँ, मैं तो गुदगुदी करूँगा, मैं तो गुदगुदी करूँगा, मैं तो गुदगुदी करूँगा। तो जी टाइम हो गया है शाम का और अभी ऑफिस से मैं आ गई हूँ। और आज 17 है ना, आज क्रिकेट मैच है यहाँ पे धर्मशाला में। इतनी सारी गाड़ियाँ गाड़ियाँ तो वैसे तो भी चलती हैं लेकिन पार्किंग के लिए बोल रही हूँ मैं। हमारे घर के बाहर इधर से लाइन लगी हुई है गाड़ियों की, दिल्ली पंजाब सारी हुई गाड़ियाँ हैं। तो गाड़ियाँ लगी और सिक्योरिटी तो खैर टाइट है ही, और ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी टाइट होना ज़रूरी भी है। और ये रही यहाँ पे मैं। तो मैंने सोचा कि ये ब्लॉग मेरे को सुबह एंड करने का टाइम नहीं मिला था, तो अभी ऑफिस से आई हूँ। अभी मेरे को लगी बहुत तेज़ ज़ोरों की जो है भूख, तो अभी मैं खाना खाऊंगी। बट इस ब्लॉग को जो है मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ अब यहीं पे। और आज बहुत रौनक रहने वाली है धर्मशाला में क्योंकि मैच है, बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टिकट्स नहीं मिली है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से अब कल नई वीडियो में। तब तक के लिए जो चीज नहीं आती है ना उसको नहीं बोलते, हटो एक मिनट, आते नीचे कपड़े बेटा मेरे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।